डियर स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक की परीक्षा में गोला और बेलन दोनों पर आधारित सवाल भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है केवल गोले से आएगा, कभी केवल बेलन से आएगा, और कभी कभी गोला बेलन दोनों का मिक्स करके आएगा। तो आज की वीडियो में जो सवाल मैंने लिया है यह केवल गोला और बेलन पर आधारित सवाल है, ठीक है। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आप इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, कैसे इसके आंसर तक पहुँचेंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यह सवाल आ सकता है। इस नाते मैंने इसको रिसर्च करके निकाला है और आपको बता रहा हूँ। 3.5 सेमी त्रिज्या और 40 सेमी ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले की त्रिज्या कितनी है? जब कभी किसी भी सवाल में किसी चीज़ को पिघला करके दूसरी चीज़ बनाई जाए, मतलब एक वस्तु पिघलाई जाए दूसरी वस्तु बनाई जाए, तो इसका मतलब ये समझना है कि दोनों का आपस में आयतन बराबर होगा। तो यहाँ बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई कट गया, ठीक है। आर का मान 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इंटू एच का वैल्यू कितना? 40 बराबर 4/3 इंटू आर क्यूब। 3 का इधर गुणा कर देंगे हम, 4 से 40 काट लेंगे, 4 × 40 3 से 10 में गुणा करेंगे, 3 × 30 30 × 3.5 × 3 बराबर आर क्यूब। अब आर बराबर हो जाएगा, घनमूल निकल जाएगा करड़ी में कितना कितना, 30 × 3.5 × 3 तो आर बराबर क्या आएगा? 5 करड़ी में 2.94 यहाँ पर रहेगा 3 घात इतना आएगा। इसका घनमूल निकालेंगे तो यही आएगा, 5 करड़ी में इतना, ठीक है, आप समझ गए। अब मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, इसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, दूसरा वाला क्वेश्चन बड़े ही आराम से देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है। 14 सेमी व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन क्या होगा? एक गोला है, गोला समझ लो किसी बेलन के अंदर डाल दिया गया, तो गोला जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा बेलन भी है, ये चीज़ आपको बताना। जितना ऊंचा गोला है उतना ही ऊंचा क्या है? बेलन भी। तो गोला बेलन दोनों की ऊंचाई आपस में समान है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/7। 7 कैसे हुआ? क्योंकि 14 सेमी व्यास है तो त्रिज्या 7 हुआ, आर स्क्वायर के नाते 7/7। एच कितना होगा? बेलन की टोटल ऊंचाई व्यास के बराबर होगी ना, तो व्यास 14 है, 7 कट गया और 7 का 22 में गुणा करेंगे, फिर 14 का गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करने पर आएगा कितना? 2156 घन सेंटीमीटर आएगा इसका आयतन, तीनों का गुणा करेंगे तो 2156 घन सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या नाम है, बेलन और गोला इन दोनों पर आधारित सवाल भी हल करेंगे। मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़रूर बताऊंगा।